तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अंडा करी की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और अमेजिंग है। तो मेरे तरीके से आप बना के देखिए और सच में आपको बहुत पसंद आएगी। आप किसी को भी खिलाएंगे, सब बहुत तारीफ करेंगे। और ये देखिए, दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है और खाने में और भी बेहतरीन है। तो चलिए बिना किसी देर के हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मतलब खड़े मसाले, प्याज, काजू, टमाटर, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए रहेंगी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ये जो अंडे हैं ना, अंडे को अच्छे से बॉईल कर लेना है। और अंडे को ना स्टार्टिंग में ही आप इस तरीके से कट लगा लीजिएगा। कट लगाने का मतलब क्या है ना कि जब हम अंडा डालेंगे ना सब्जी में, तो उसका फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कट कट लगा देंगे अंडे पे, सारे अंडों पे। फिर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, मतलब सरसों का तेल डाला है। वो अच्छे से गर्म हो जाए और धुआं निकलने लगे ना, उसके बाद बड़े जो प्याज हैं बड़े साइज़ के कटे हुए, वो हमको डाल देने हैं इसमें। ठीक है, प्याज आप दो तो कम से कम लीजिए, प्याज की क्वांटिटी भी अच्छी होगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जिंजर गार्लिक जो है बड़े बड़े ही काट देने हैं, क्योंकि ये हम जो है बाद में ग्राइंड करने वाले हैं सारी चीज़ें, तो इसमें जिंजर और गार्लिक भी डाल देना है। उसके बाद दो लाल मिर्च डाल देनी है खड़े वाले, ठीक है, और थोड़े से काजू डाल देने हैं क्रीमी टेक्सचर के लिए, ये काजू चाहिए हमको। ठीक है, काजू अगर नहीं है तो भी आप स्किप भी कर सकते हैं, पर काजू डालेंगे तो और टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो ये जब प्याज का कलर जब चेंज हो जाए ना थोड़ा सा, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। और इन सबको अच्छे से कुक करना है, तो उसके लिए हम ऊपर से नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा कि जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल जाएंगे, अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो हमको कुक करते वक्त ही अच्छे से इसको पका लेना है। तो चलिए 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं हम कुछ ढक्कन रख के। उसके बाद आप देखेंगे ना, ये देखिए, जितना अच्छे से पकाएंगे उतना इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसको जब तक ये अच्छे से पक रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो अंडा है ये निकालने के बाद, अंडा जो है ना बॉईल किया हुआ, वो हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा तेल कम पड़ रहा है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा तेल डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से थोड़ा सा हम फ्राई हो जाए, मतलब उत्ता कर सकते हैं कि थोड़ा अच्छे से ये शैलो फ्राई हो जाए। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। ठीक है, फिर इसको अच्छे से हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुका है, टेक्सचर देखिए इसका कितना प्यारा आया है। ठीक है, तो अंडे को इस तरीके का टेक्सचर देके हम इसको अलग से रख लेंगे। फिर वो जो हमने कुक किया था ना प्याज टमाटर का मिक्सचर, वो हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से जब थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर हम वही कढ़ाई ले लेंगे, उसमें फिर से तेल डालेंगे और खड़े मसाले डाल देंगे थोड़े, मतलब तेज पत्ता, एक इलायची, 2 लौंग, दालचीनी और जीरा और 2-3 काली मिर्ची, ये सब हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। ठीक है, और इसको मिक्स करके अच्छे से, और जो हमने बनाया ना पेस्ट जो टमाटर प्याज का, वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो उस वक्त भी हमने अच्छे से पकाया था, अभी भी हमको इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि ग्रेवी अगर अच्छे से पकाएंगे तो टेस्ट और अच्छा आएगा, उसी से हमारी जो सब्ज़ी है वो लाजवाब बनेगी। तो चलिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसके ऊपर हमको धनिया पाउडर डाल देना है और लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। अगर आपको थोड़ा रेड कलर में चाहिए तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और डाल सकते हैं। और मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे, क्योंकि बाद में गरम मसाला मैं फिर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। तो ये देखिए, आप चाहे तो इसमें चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि चिकन मसाला जो है ना उसका टेस्ट और बेहतरीन आएगा। अगर आप वेज हैं तो भी आप चिकन मसाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चिकन मसाला है, मतलब उसमें चिकन वाला कुछ वो नहीं है, सब मसाले वही रहते हैं खड़े मसाले, पर गरम मसाला से थोड़ा टेस्ट जो है और अच्छा होता है। तो इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, और हमको पकाना अच्छे से है इसको। और फिर हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च जो है उसको मैंने स्लिट करके डाला है।
और इसको जितना अच्छे से पका सकते हैं उतना अच्छे से पकाइए ताकि फ्लेवर एकदम उठ के आए। और इस स्टेज पे हम जो अंडे हैं ना उनको डाल देंगे, और ये देखिए जो हमने कट लगाए थे ना उससे जो ग्रेवी है उसका जो फ्लेवर है अंडे में चला जाएगा और सब्जी और टेस्टी बन जाएगी। तो ये देखिए इसको भी 2-3 मिनट हम कुक होने देंगे, जितना आप कुक होने देंगे उतना अच्छा है। उसके बाद थोड़ा मैंने बटर डाल दिया है इसमें और एनहेंस हो जाएगा टेस्ट, तो बटर भी डाल दिया है मैंने। और ये देखिए देखने में ही कितनी टेस्टी और टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है इसका। तो सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सपोर्ट मिलता है काफ़ी और रेसिपीज़ शेयर करने का मन होता है। फिर उसके बाद धनिया पत्ता डाल देना है गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए हमारी जो अंडा करी है वो रेडी हो चुकी है। अगर ज़्यादा थिक हो रहा है तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, और फिर 1-2 मिनट अच्छे से पका के और हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो गई है। तो देखिए दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और बना के ज़रूर देखना। एंजॉय विद हॉट चपाती एंड पराठा। ओके, थैंक यू।